जलमानी में 5 साल की बच्ची को निवाला बनाने के बाद क्षेत्र के ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। नरभक्षी गुलदार को मारने की तथा ग्रामीणों को गुलदार से सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण बुधवार को जिलाधिकारी रंजना राजगुरु से मिले। ग्रामीणों ने कहा कि बच्ची को निवाला बनाने की घटना के बाद गुलदार हर रोज गांव में ही घूम रहा है, जिस कारण ग्रामीणों में भय बना हुआ है। गांव में गुलदार की चहलकदमी से बच्चों का स्कूल जाना तथा महिलाओं का खेतों में जाना दूभर हो गया है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने वन विभाग पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए भी डीएम से शिकायत की, कहा कि वन विभाग गुलदार को पकड़ने तथा मारने का प्रयास नहीं कर रहा है। चेतावनी दी कि यदि गुलदार को पकड़ने व मारने का प्रयास नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा। और मेरे नाती को भेजा वही घर पास, मैंने चिल्लाता सुना तुरंत गई वहाँ पर, वहाँ पर कुछ नहीं मिला मेरे को। फिर बाद में फिर मैं फिर अपने कमरे के अंदर गई, बच्चों को बुला के ला गई, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया करके फिर हम ऊपर गए वहाँ मंदिर तक, कुछ नहीं मिला वहाँ, फिर नीचे आ गई। क्षेत्र की जितनी भी हमारी वहाँ की क्षेत्रीय जनता है, चाहे सिमगढ़ी की हो, चाहे हमारे जितना भी भुलगांव जलमानी या जितने भी गांव पड़ते हैं, हम सभी लोग जंगली जानवरों से त्रस्त हैं। आए दिन हमारे क्षेत्र में कोई ना कोई हादसा होता रहता है, और पूरे उत्तराखंड की कहानी यही है कि हर हफ्ते में कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना हो रही है, जिससे कि आदमी और जानवरों का संघर्ष हो रहा है। और इस सरकार इसमें कुछ नहीं कर, हम ये चाहते हैं कि आदमी और जानवरों का जो संघर्ष हो कैसे ना कैसे रुके। सबसे पहली हमारी जो मुख्य मांग है कि जो हमारे क्षेत्र में जो बड़ी दुर्घटना होती है, जो बिटिया को बाघ ले गया है, उस बाघ को आदमखोर घोषित करके तुरंत उसे मारने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे क्षेत्र की जनता है और अन्य जो जंगली जानवर है उससे त्रस्त है, और हम चाहते हैं कि सरकार से उस जंगली जानवर से भी हमें मुक्ति दिलाने के लिए कोई ना कोई ठोस प्रयास करें, जिससे कि क्षेत्र की जो जनता है वो सुखी से अपना जीवन यापन कर सके ग्रामीण क्षेत्रों में। मुआवजे के लिए करें कोई बात करें, मुआवजे के लिए वन विभाग ने हमें 3 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए की घोषणा की थी, जिसमें 1 लाख रुपया पीड़ित परिवार को मिल चुका है, और 2 लाख रुपया जो है जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा करने के बाद इन लोगों ने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। और इस संबंध में हम अभी जिला अधिकारी बागेश्वर से भी मिलने के लिए आए हैं, और पिछले 3 दिनों से वो जो तेंदुआ है पूरे क्षेत्र में आतंक मचाए हुए है, रात दिन है, दिन में भी दिख रहा है, रात में भी पूरे गांव में घूम रहा है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हम लोग यहाँ पर हमारे वहाँ उत्तर दुग में जो ग्राम पंचायत जलमानी है, उत्तर दुग उसका एक तोक है, उसमें 4 तारीख के रात शाम के टाइम में एक छोटी बालिका को, 4.5 साल की बालिका को तेंदुआ उठा के ले गया था आंगन से। तो उसी संबंध में हम लोगों ने उसी समय कह दिया था कि इसको मारने के आदेश करा दिया जाए शासन प्रशासन से, लेकिन अभी तक आज 9 तारीख हो गई हैं, अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है उसको मारने के लिए। पिंजरा जरूर लगा दिया गया, लेकिन पिंजरे के आसपास बाघ नहीं जा रहा, गाँव में बाघ घूम रहा है, उसके इर्द गिर्द पूरा दहशत फैली हुई है। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से यहाँ पर मिलने आए थे कि उसको तुरंत ही 2 दिन के अंदर शासन प्रशासन से बाघ को मारने के आदेश कराए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे वहाँ पर से। डीएम मैडम ने कहा मैं अपने स्तर से पूरी कार्रवाई करूँ, अभी तत्काल प्रभाव से मैं इस चिट्ठी को आगे पहुंचा रही हूं, शासन जब भी आदेश करेगा तो तब ये कार्यक्रम हो सकता है, बाघ मारने का आदेश हो सकता है। हमने उनसे कह दिया है कि यदि अगर प्रशासन जल्दी नहीं करेगा तो हम अपने स्थानीय विधायक श्री बोलन सिंह बोरेल जी के घर को, घर पे वहीं पे उनका घर, उनका भी घेराव करेंगे, और शासन प्रशासन इसको जल्दी सुध नहीं लेगा तो हम पूरे जन आंदोलन करेंगे, चुनाव में भी हम चक्का जाम करने की स्थिति में भी वहां पर अपने घर पे बैठ जाएंगे, पूरा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है चुनाव। हाँ, ये आज जो हमारे जलवानी ग्राम सभा में जो 4 तारीख को बालिका को बाघ उठा के ले गया, ये बाघ का मामला तो पूरा उत्तराखंड में आए दिन सन 2000 के बाद लगातार चल रही है, और इस बालिका को बाघ ले जाने से पहले 4 दिन पहले जाख में भी धर्मगढ़ के बगल से ही 5-6 किलोमीटर बगल में है, वहाँ बाघ एक बालक को ले गया। तो अभी जिलाधिकारी को पूरी गांव के लोग एक डेलीगेशन मिलने आए थे, और जिलाधिकारी ने कहा कि अभी मैं 1 घंटे में इस कागज़ को भेज रहा हूं, हम ये चाहते हैं कि यहां पर तुरंत शूटर को भेजा जाए और बाघ को या तो मारा जाए या बाघ को पकड़ा जाए, तुरंत शूटर भेजा जाने से, नहीं तो क्षेत्र की जनता जो है जन आंदोलन करेगी सरकार और वन विभाग के प्रति, या तो यहां जिलाधिकारी ने तुरंत व्यवस्था से माइक लगा के पुलिस की गश्त लगाना चाहिए, ताकि लोगों में भय दूर हो, लोग अपने खेती बाड़ी के काम में ही जो
अब घर से बाहर नहीं निकल रहे और पूरा क्षेत्र में दहशत फैला हुआ है। यह वन विभाग अपनी व्यवस्था तुरंत करें। देखिए अभी ये बहुत ही दुखद घटना जनपद में हुई है, जो भूलगांव नामक हमारा एक ग्राम है, उसमें एक बच्ची को जो गुलदार ने मार दिया था, तो बहुत ही दुखद घटना है। इससे सभी लोग बहुत दुखी हैं और इसमें जो गांव वालों की डिमांड है, अभी मेरे पास आए थे, उनका कहना इसको आदमखोर घोषित करके इसको मारने का आदेश दिया जाए। तो चूंकि ये काम हमारे स्तर से जनपद स्तर का नहीं है, ये हम लोग शासन स्तर को ही ये अधिकार प्राप्त है कि उसमें कोई भी डिसीजन लें, तो अभी हम तुरंत शासन से अनुरोध करेंगे, वहां से जैसा हमको आदेश मिलेगा फिर हम लोग वैसी आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि तब तक हमने डीएफओ को ये आदेश दे दिया है कि गांव में गश्त वगैरह बढ़ा दें और निरंतर उनकी टीम पूरी लगी रहे, वहां पिंजरा इत्यादि लगाएं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग करें ताकि आगे कोई भी इस तरह की दुखद घटना ना होने पाए। देखिए वही है, जो घटना हो जाती है वो बहुत ही दुखद है, लेकिन एक जो कॉम्पनसेशन की व्यवस्था है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो अभी उन्होंने 1,00,000 रुपए का चेक प्रदान कर दिया था पीड़ित परिवार को और 2,00,000 रुपए का चेक वो देने वाले हैं। तो इस तरह का जो उनको मानक के अनुसार 3,00,000 रुपए का मुआवजा मिलता है, तो वो वन विभाग द्वारा तत्काल अभी दे दिया जाएगा। फिलहाल 1,00,000 उन्होंने दे दिया, ऐसा मुझे डीएफओ ने अवगत कराया। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।